भवन्ति ते दिवसः चिरस्मरणीयः येषु दिवसेषु एवं विधानां परिव्राजकानां महात्मनां तपस्विनां अमृतमयानि वचनानि अस्माभिः कर्णगोचरी क्रियन्ते वयं सर्वेपि जानीमः वर्तमानकाले संस्कृतस्य कोऽपि अभ्युदयकालः उन्मेषकालः स्वर्णिमकालः यत्र तत्र सर्वत्र दरीदृश्यते तत्र संस्कृतिविषये वेदविषये योगविषये आयुर्वेदविषये अथवा ये खलु प्राचीनः विषयः वर्तन्ते भारतस्य यः खलु अमृतविद्याः सन्ति तत्र अस्य गुरुकुलस्य स्थानं सर्वोपरि वर्तते नास्ति अस्मिन् विषये कोऽपि संशयः अस्य संस्कृतभवनस्य अयं सभागारः लोकं लोकं कस्य मनसि आनन्दः न जायते अहं यत्र तत्र विभिन्नेषु विश्वविद्यालयेषु गच्छामि तत्र संस्कृतविभागस्य दुर्दशां विलोक्य अस्माकं मनांसि दूयन्ते तत्र मलिनतायाः साम्राज्यं तत्र यः आसन्दिकः सः न जाने कस्य कालस्य तत्र संस्थापिताः सन्ति यदा वेदभगवान् कथयति अहं भूमिम् अददाम आर्याय मया इयं वसुधा इयं विश्वम्भरा इदं निखिलमपि ऐश्वर्यं तेषां कृते समर्पितम् अस्ति येषां जीवनं श्रेष्ठम् उच्चविचारपरिपूर्णं ज्ञानाधारितं विविधविद्याविलसितं ते जनः रमणीयेषु स्वच्छेषु भवनेषु विश्वविद्यालयेषु उपविश्य ज्ञानार्जनं कुर्वन्तु विद्याध्ययनं कुर्वन्तु गवेषणेन किमपि नूतनं समाजाय प्रयच्छन्तु इत्येवस्ति अस्माकं पूर्वजानां सन्देशः तं मनसि निधाय अयं सभागारः महर्षिदयानन्दसभागार इति नाम्ना अत्र एतेषां महताम् आचार्याणां समुपस्थितौ लोकार्पणेन सर्वेषां पुरस्तात् आनन्दवर्षां करोति अहमपि पुनः पुनः भूयो भूयः समुपस्थितानां सर्वेषामपि स्वागतं व्याहरन् विरमामि श्रद्धे आचार्य बालकृष्ण जी हम उनका इस पावन भूमि में संस्कृत भवन में संस्कृत विभाग में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और उनसे प्रार्थना करता हूँ क्या करके अपने आशीर्वचन से हम लोगों को प्रोत्साहित करें श्रद्धे आचार्य इस पवित्र मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय वंदनीय भारतीय संस्कृति सनातन परंपरा के जीवंत रूप आचार्य महामंडलेश्वर श्रद्धेय स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज जो स्वयं तो संस्कृति के उपासक हैं संवाहक हैं पर संस्कृति के प्रति संस्कृत के प्रति संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के प्रति जिनकी बहुत अनन्य भावनाएं हैं और जहां भी देखते हैं तो बहुत प्रसन्नता होती है श्रद्धेय स्वामी जी को शायद आज उस आनंद का लाभ यहाँ पर भी श्रद्धेय स्वामी जी को प्राप्त हो रहा है क्योंकि बहुत व्यस्त रहते हैं तो भी यहाँ पर उपस्थित हैं सभी गुरुतुल्य हैं सभी वंदनीय हैं सभी पूज्य हैं आप सबको मैं वंदन करता हूँ जहाँ तक संस्कृत की बात करें हम यह भी एक अच्छा कार्यक्रम है सभागार के उद्घाटन के रूप में 7 दिन का यह संस्कृत का कार्यक्रम है यह आयोजन है जहाँ भी संस्कृत के लिए काम होता है संस्कृति की बात होती है योग और आयुर्वेद की बात होती है दुनिया में कहीं भी होती है वो हमको अपना सा लगता है कि हमारी ही बात सब जगह हो रही है
यह अनुभूति और यह अंदर की जो भावना है, शायद इसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि उस संस्कृति और संस्कृत के परिवेश में पलने का और बढ़ने का मौका हमको परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ, तो वह हृदय में सतत सदैव विद्यमान रहता है, वह कभी पुरातन नहीं होता है, अपितु जहाँ जहाँ इस तरह के दृश्य दिखाई देते हैं वह नूतन और भी नूतन होता जाता है। आज हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, हम ऐसा ही मानते हैं कि हमारी भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति और वह संस्कृत की ही शक्ति है कि आज कुछ अंश में भी यदि हम देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो आप सबको मैं वंदन करता हूँ। यहाँ बहुत बोलने जैसा कुछ नहीं है, पर कर्म की बात करूँ तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, सभी संस्कृत के, चाहे वह प्राध्यापक हों, चाहे शोधार्थी हों, चाहे विद्यार्थी हों, आप सभी लोग इस रूप में अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए, दुनिया में दुनिया की विधा से दुनिया की चीजें तो आपको ज्यादा मिल सकती है, पर अंतर की संतुष्टि कभी भी नहीं मिल सकती है यदि उसके हृदय में संस्कृति और संस्कृत नहीं है। तो इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं, वह सेकेंडरी है, भौतिक पदार्थों की प्राप्ति, परंतु सारा संसार में मिल जाए, अंदर की तुष्टि ना हो तो सारे पदार्थ व्यर्थ हैं। इसलिए हमारे पास दुनिया की वह चीज हमारे पास है जिसको पाने के लिए पूरी दुनिया सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है, इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं। तो इस शक्ति को, इस ऊर्जा को, इसकी महत्ता को आप समझिए। कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास बहुमूल्य चीजें तो होती हैं, पर हम उसकी महत्ता को नहीं समझ पाते हैं। जब नहीं समझ पाते हैं तो हम इधर उधर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए हमारे शास्त्र महामान्य ऋषियों ने पहले से ही, प्राचीन काल से ही, सामान्य रूप से यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यदि इसकी आपको अर्थ करना चाहें तो ये सामान्य सा है, दुनिया में जिसको तलाशते हो तुम्हारे अंतस में है, उस अंतस को भी वही पहचान पाएगा जो संस्कृति और संस्कृत से जुड़ा हुआ है। तो आज धीरे धीरे दुनिया लौट रही है, उनको आना होगा। जब बहुत भटक जाता है ना आदमी, तो फिर वो भटकने के बाद में जब भटक रहा होता है, तब कभी कभी उसको लगता है कि मैं भटक नहीं रहा हूँ, मैं सही रास्ते पर हूँ। जब सही में उसको दिखता है कि अब रास्ता अवरुद्ध होने वाला है, तो फिर वो लौटना शुरू कर देता है। तो लौट करके अब पुनः सारी दुनिया उस ओर आ रही है। उसका उदाहरण, क्योंकि मैं ये मानता हूँ, मैं वहाँ से हर रोज निकलता हूँ, तो पहले मैं हर रोज गुरुकुल कांगड़ी जो फार्मेसी है उसका दर्शन करता हूँ, गुरुकुल का, फिर पतंजलि पहुँचता हूँ। तो मैं यही सोच रहा था, आयुर्वेद की आज पताका ठीक है दिग्दिगांतर में फैली, पर उसकी शुरुआत के रूप में, यदि राष्ट्रीय स्वरूप में किसी ने काम शुरू किया था तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया था, बिल्कुल कांगड़ी फार्मेसी के रूप में किया था। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल छोटा सा था, उससे मैं छठी कक्षा में ही गुरुकुल पहुँच गया था, पर गुरुकुल का अर्थ क्या होता है मुझे पता नहीं था। पर उससे पहले मैंने गुरुकुल कांगड़ी चाय देखी थी, तो मुझे था कि ये जहाँ चाय बनती है उसी के कोई आसपास की जगह होगी, मुझे ऐसा लगता था, ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो वह गुरुकुल शब्द से जहाँ हमारी गुरुकुलीय परंपरा का पता चला, वहाँ फार्मेसी ने एक गुरुकुलीय जो आयुर्वेदीय विधा को लोगों तक पहुँचा करके एक स्वरूप प्रदान करने का कार्य किया, और सभी गुरुकुल के लोग बैठे हुए हैं। मैं तो ये कहता हूँ, इस फार्मेसी को भी हमको जीवित करना चाहिए, क्योंकि कई बार एक दूसरे की पूरक होती हैं चीज़ें। आज आयुर्वेद से योग बढ़ रहा है, योग से आयुर्वेद बढ़ रहा है, इसी तरह से यदि हम सर्वांगीण रूप से इस कुल भूमि को, पुण्य भूमि को पूरे विश्व पर पुनः उस वैभवशाली स्वरूप में लाना चाहते हैं। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि एक संस्था का शैशव काल होता है, यौवन काल होता है, फिर वृद्धत्व होता है, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि यह गुरुकुल वो कभी वृद्धत्व को प्राप्त नहीं हो सकता है, पुनः हम इसके शैशव और यौवन को लौटा सकते हैं यदि इस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़े तो। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं, ये एक बड़ी सी बात थी, निर्वचन करते हुए अभी आचार्य ब्रह्मदेव जी हमारे बता रहे थे कि हम कहते हैं ना कि संस्कृत देव वाणी है, ये बात सही है, देवों की वाणी है, परंतु संस्कृत जानने से आदमी देव बन जाता है, ये बड़ी बात है। क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि यदि आप देखेंगे कि संस्कृत पढ़ने वालों में से
कभी भी बहुत हल्के से शब्दों में कहूं कि धोती पहना हुआ आदमी खड़ा खड़ा लघु शंका करता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। एक इससे छोटा क्या उदाहरण हो सकता है, पैंट शर्ट खड़ा खड़ा दिखाई देगा। ये संस्कृति की ताकत है, हम इसको समझें, ये एक छोटी सी बात नहीं है। और इसी तरह से मैं आपको कहना चाहता हूँ, शराब की दुकान पे जाकर देखो, छोटी वाला और धोती वाला आपको बोतल खरीदता हुआ मुश्किल से ही दिखाई देगा, क्योंकि बिना चोटी और बिना धोती वाला होगा, और धोती वाला भी जाएगा तो धोती उतार करके जाएगा, पहन करके नहीं जाएगा। ये संस्कृति की ताकत है कि यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंबॉलिक है। ढाबे पे खड़ा खड़ा मैं भी देखता हूँ, कई बार रास्ते पे ढाबे हैं, वो रेले ठेले हैं, तो मैं देखता हूँ बहुत कम दिखाई देते हैं कि कोई ये चोटी जने और धोती वाला संस्कृत वाला खड़ा खड़ा वहाँ पर प्लेटें चाट रहा होगा। चाट भी रहा होगा तो किनारे पर बैठ करके खा रहा होगा, वो जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं ऐसा करता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यह संस्कृत और संस्कृति की ताकत है। तो इसलिए संस्कृति से जुड़ने से तो आदमी बहुत सारे बुराइयों से तो अपने आप बच जाता है, बचना न चाहे तो दुनिया बचा देती है। कहेंगे पंडित जी तू ऐसा पंडित होकर के भी ऐसा कर रहा है, तो वो अपने आप बचना पड़ेगा पंडित जी को। सिनेमा हॉल में दुनिया घूम रही होगी टीका लगा कर, पंडित जी आप भी सिनेमा देखने जाते हो क्या? वो आदमी डरेगा, जाएगा ही नहीं वहां पर, सोचेगा लोग घर में बैठ कर देखने, अलग बात है, तो बच तो गया कम से कम। तो जो संस्कृत से जुड़ने मात्र से हम बहुत तरह की बुराइयों से बच जाते हैं, क्या ये कम बड़ा लाभ है? ये तो बहुत बड़ा लाभ है। दुनिया के अंदर कोई कितना भी विकृत मानसिकता का व्यक्ति हो, वो हमेशा रजोगुण तमोगुण में नहीं रहता है, उसके अंदर भी सात्विकता होती है। जो बड़े बड़े मर्डरर्स हैं, जो कि लोगों की हिंसा और हत्या करने वाले लोग हैं, वो लोग भी कभी कभी तो सत्वगुण में रहते हैं। तो हमको बचाने के लिए ये नहीं कि धोती में, जब हमारे अंदर कहीं हमारे मन में रजोगुण या तमोगुण की स्थिति आ जाए, उस स्थिति को भी हम संस्कृत के द्वारा रोक सकते हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है, इसका हम ध्यान रखें। इसीलिए आज जो भी ताकत है, जो भी ऊर्जा है, वह उस संस्कृति की देन है, हम लोग कर पा रहे हैं। काम बहुत हो रहा है, काम बहुत कुछ होगा, क्योंकि मैं यही प्रयास करता हूं। जब यहां के लिए बात हो रही थी, मैंने पूछा डॉक्टर साहब से कितने लोग भाग ले रहे हैं, तो मुझे पता चला लगभग 200 बच्चे भाग ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई क्या देना है, तो हमारा तो यही काम रहता है, परमात्मा ने जो दिया है वो समाज का है, प्रभु का है। तो हमने कहा सबको कुछ प्रसाद तो सभी विद्यार्थियों को दे देंगे। भाई दूसरे इधर उधर जाते हैं, प्रतियोगिताएं करते हैं, दूसरे काम करते हैं, उनका प्रोत्साहन होता है, तो संस्कृत वालों का भी होना चाहिए। अच्छा, संस्कृत वालों का प्रोत्साहन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो ये हमारे मन में रहता है। तो उसके लिए हमको बहुत छोटा सा निवेदन किया गया था, और जो भी इन्होंने पुरस्कार की राशि तय की थी, एक बार सुन लो विद्यार्थियों, राशि इन्होंने तय की थी, देने की ड्यूटी हमको कही, हम दे रहे हैं। यदि ज्यादा तय करते होते तो हम ज्यादा भी देते, इसलिए ये मत कहना कि पतंजलि वालों ने कम दिया, वो हम पूरा दे देंगे जितनी भी आपकी राशि तय है। तो हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं आप सबको भी, विद्यार्थियों को भी, और सभी गुरुजनों के चरणों में हमारा प्रणाम है, वंदन है। तो हमारा विनम्र प्रयास है, वो प्रयास अनवरत चलता रहेगा। बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे काम होने वाले हैं, बहुत सारे काम अभी आपको दिखेगा, क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी अच्छे काम हैं, हमारा प्रयास रहता है कि सभी अच्छे कामों में देखो, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। जो विदेशी कंपनियां हैं, कभी भी भारतीय संस्कृति और परंपरा के प्रति वह इच्छा से नहीं, वो इच्छा से प्रवृत्त नहीं होती है, प्रयत्न से दूसरे को विमुख करने का प्रयास करती है। ध्यान से सुनना, वो अपने आप तो विमुख है, दूसरों को भी ये नहीं चाहते हैं कि वो उससे जुड़े रहें। कॉरपोरेट कल्चर के अंदर में यदि धोती कुर्ता कोई ले आए तो वो हम लेकर के आए, छोटे रूप में नहीं, बहुत बड़े रूप में। जब अभी पीछे आपने देखा होगा इंडिया टुडे में बहुत बड़ा एक कवर पेज का आर्टिकल था, उसके अंदर जो वो इंटरव्यू के लिए हमारे पास आए थे, कहने लगे कि पतंजलि आयुर्वेद में जो टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट में जो आपके काम देखते हैं, उन लोगों को मिलना चाहते हैं, आप दिखाइए। मेरे सब टॉप लेवल पे सब कुर्ता पैजामा में, वो आकर के बैठे थे कुर्ते पैजामे में, तो सब एक से ही दिखाई देते हैं, जैसे पंडित लोग सब बैठे तो एक से ही लगते हैं। ये एक ये भी परंपरा है हमारी संस्कृति में, हम कहते हैं ना समानता, पैंट शर्ट पहनो तो विविध तरह के पहनेगा आदमी, कभी धोती कुर्ता पहना तो एक ही तरह का होगा, थोड़ा बहुत कलर में ही फर्क होगा। तो देख करके बोले यही लोग हैं। मैंने कहा क्यों, कुर्ते से तुमको वो दिख रहा है कि अंदर बुद्धि नहीं है? बुद्धि तो मैंने कहा कुर्ते में थोड़ी होती है, पैंट में थोड़ी है, टाई में थोड़ी है, बुद्धि तो इधर है। तो हालांकि लोग बड़े बड़े अच्छे संस्थानों से हैं, बड़े बड़े लोग हैं, पर सामान्य रूप से उसमें रहते हैं। तो आज जिस कंपनी ने, मैं एक चीज से छोटी सी बात शुरू कर देना चाहता हूं, कि हमको यह भय दिखा करके
कि नीम से, हल्दी से, नमक से, इन सब चीजों से, खुरदुरे चीरों से तुम्हारी दांतें खराब हो जाती हैं और दांत उससे सत्यानाश हो जाएगा। वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसी हमको शिक्षा दे दे करके, भयभीत कर कर करके और डॉक्टरों को पैसा दे दे करके, क्योंकि हम जानते हैं उस दुनिया को। देखिए दुनिया बड़ी विचित्र है, कई बार ऐसा होता है ना, जिस दुनिया में हम प्रवेश नहीं कर रहे होते हैं उस दुनिया के विषय में हम कल्पनाओं में होते हैं। कभी कभी वो कल्पनाएं सत्य भी होती हैं, कभी कभी सत्य से बहुत दूर होती हैं। जितने ज्यो ज्यो हम दुनिया के अलग अलग फील्ड में प्रवेश करते जाते हैं तो दुनिया की जो वास्तविकता है, दुनिया का जो सत्य है, वो आपको दिखाई देने लगता है। तो इसी तरह से ये MNCs जो मल्टीनेशनल्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके बड़े भयानक जाल हैं। उन जालों के जो जंजाल है वो सामान्य व्यक्ति को कहीं ना तो समझ में आएगी, ना कहीं पहुंच पाता है। तो वही एक उदाहरण दे रहा हूं कि इस तरह से न जाने हमारे देश के अंदर, हमारी परंपराओं में, आपने देखा होगा गांव में, घरों में अभी भी कई कोयले को पीस करके पहले या हल्दी से या आपके नमक से सब मंजन करते थे। और मैं आपको बता दूं कि यदि कोई दांत की बीमारी हो, किसी चीज से ठीक नहीं हो रही हो, तो आप हल्दी, नमक और सरसों का तेल तीनों को मिला करके आप धीरे धीरे पेस्ट करिए, 5-10 मिनट रखिए, कुल्ला करिए, वो ठीक हो जाता है। इतनी जबरदस्त चीज है हल्दी और सरसों का तेल और इसका मिश्रण नमक का, तो इतनी अद्भुत चीजें थी। उनको प्रयास से लोगों से दूर करा दिया, छुड़ा दिया, केमिकल से न जाने कितनों का दांत खराब करा दिया, जो हुआ बड़ी कहानी है। आज उनको लौट करके वेद शक्ति, अभी नया आया है शिवा का वेद शक्ति, तो वेद शक्ति, वेद की शक्ति उनको नहीं समझ में आई, बाबा की शक्ति से वेद शक्ति समझ में आई। वो कभी वेद शब्द से तो उनका लेना देना क्या है, वो लिख रहे हैं वेद शक्ति, तो लिख देने से शक्ति नहीं आएगी। पर इतना तो पता चल गया कि हमारी संस्कृति में बहुत दम है, बहुत ताकत और शक्ति, तो हमारी संस्कृति की शक्ति है। तो इस शक्ति के लिए हमको और भी काम करने की जरूरत है, लौट करके आएंगे। हम लोग अपने उत्पाद में लिखते हैं मेड इन भारत, भारत में निर्मित, तो ये भारत में बना, इतना ही लिख देने से ही पहले लोगों का ध्यान नहीं था, अब लोग सोच रहे हैं। अब ये दिन भी आप देखिए, थोड़े दिन में वो दिन भी आएगा, बहुत सारे लोग यही लिखेंगे भारत में निर्मित, क्योंकि ये हो गया कि भारत में निर्मित ना लिख दें, मेड इन इंडिया लिख दें, तो लोगों की मानसिकता भी बन चुकी है, मेड इन इंडिया लिखा तो विदेशी कंपनी है, भारत में निर्मित लिखा तो स्वदेशी कंपनी, ऐसी भी मानसिकता बन चुकी है। तो इसलिए नहीं कि वो भारत से प्यार करते हैं, क्योंकि उनको इसलिए भी संस्कृति की तरफ लौटना पड़ेगा, क्योंकि देश के लोग जागरूक हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें, सारे काम हो रहे हैं, तो ये सोच कहाँ से पैदा हो रही है। मैं तो एक बात के लिए कह रहा हूँ, वो संस्कृत में हम लोग शुरू में नहीं पढ़ रहे होते अयोन्ट, ये कहीं से भी पैदा ना होता, इसकी पैदाइश वहीं से है। तो इसीलिए संस्कृत से जुड़ेंगे, संस्कृति से जुड़ेंगे, बाकी चीजें तो स्वतः ही हमको प्राप्त हो जाएंगी। तो आप सबको पुनः हमारी बहुत शुभकामनाएं, आप इन 7 दिनों का कार्यक्रम का पूरा आनंद लीजिए और जीवन में कुछ नया करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए संकल्पित होकर के आवे जाएं। तो पुनः मैं सबका अभिनंदन वंदन करता हूं और सभी गुरुजनों को बहुत बहुत मेरा प्रणाम। धन्यवाद श्रद्धेय आचार्य जी, आपने उनके अनुभवों को और अनुभव और कर्म के आधार पर किस तरह से दुनिया को एक नई दिशा प्रदान की जा सकती है, इस सब हमने देखा कि लोग जो इंडिया की जय बोलते थे, अब भारत और वेद शक्ति, वहां पर धीरे धीरे लोग पधार गए। तो ये श्रद्धेय आचार्य जी का एवं श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी का प्रयास है कि जिसके प्रयास से पुनः भारतीय संस्कृति, भारतीयता, वेद के प्रति लोगों का धीरे धीरे आकर्षण होते जा रहा है, लोग हमारे तरफ खींचते जा रहे हैं। आचार्य जी, हम लोगों से कह रहे थे बातचीत के प्रसंग में कि हम लोग केवल संस्कृत के बारे में व्याख्यान, बोलना, संभाषण, शिविर, ये सब करने में रह गए, उसको हम लोगों ने जीवन में नहीं उतारा। श्रद्धेय स्वामी जी ने, आचार्य बालकृष्ण जी ने दो चीज को जीवन में उतारने का प्रयास किया, योग और आयुर्वेद को, जिसका प्रकाश, जिसकी चमक, जिसकी जय जयकार आज पूरे विश्व में हम सब लोगों के सामने है। एक तो छोटी सी दो, योग और ये आयुर्वेद की चीजें हैं। संस्कृत में इतना अनंत ज्ञान का समुद्र भरा पड़ा है, अनंत ज्ञान राशि भरी पड़ी है, जिसका एक एक का भी हम लोग अपने जीवन में धारण करके उसको विश्व में प्रकाशित करने का, प्रसारित करने का प्रयत्न करें, तो पुनः हम इस भारत को विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित कर सकते हैं, भारत को एक सबल राष्ट्र बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आचार्य जी ने अपने बहुत व्यस्त समय से हम लोगों को अपना समय दान दिया, ये मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके बाद हमारे मध्य मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धेय स्वामी महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी गिरी महाराज विराजमान हैं, उनके स्वागत में
वेद ज्ञान पवित्र शुद्ध किरणे अंध प्रकाश प्रदे पार्श लोक पुनीत केतन दयानंद प्रभा भाषिते श्रद्धा नंद गुणोख सौरभ युते सत्याश्रय स्वामिनाम स्वागतम अस्तु नूतनम सभागारे शताम श्रीमताम। इस पद जैसे उनका पुनः एक बार स्वागत करते हुए उनके आशीर्वाद के लिए उनके श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ। पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, कल्याणी धर्म अध्यात्म धरा दुंगा तेरे गुरुकुल कांगड़ी का ये सारा सत परिसर संस्कृत सप्ताह के अनंतर आयोजित इस नूतन परिसर के लोकार्पण काल में मेरे दक्षिण पार्श्व में बैठे आधुनिक चरक हमारे अत्यंत आदरणीय परम सम्मानीय आचार्य बालकृष्ण जी, जिनके पास विद्या अभिनय विभूति वैदुष्य व्यवहार कौशल और अनथक श्रम साधना विद्यमान है, ऐसे लाखों साधकों के प्रेरणा स्रोत पतंजल समूह की सुषमणा और वहां के मेरुदंड, वहां के सभी स्वप्न योजनाएं और विधाओं की जो रचना धर्मिता है, सृजनशीलता है, जो वहां की उत्पादकता है, उस सब की कोई अगर नाभिकीय सत्ता है व्यवहार की, जो आज वो दृश्यमान है विद्यमान है, उस सब की कोई व्यवहार सत्ता और कोई एक नियामक शक्ति, ऐसे आदरणीय हमारे आचार्य बालकृष्ण जी, जिन पर अभी और आने वाले काल में अनेक शोध होंगी, न केवल उन पर, पूज्य स्वामी रामदेव जी पर भी, तो सद्भाग्य से जो हमें सहज उपलब्ध हैं, ऐसे हमारे आदरणीय बालकृष्ण जी महाराज। पूज्य बालकृष्ण जी आचार्य जी ने पूरी एक दिशा दी और उन्होंने कहा जो कुछ भी यहाँ श्रेष्ठ है, पवित्र है, दिव्य है, महनीय है, उसका मूल संस्कृति संस्कार भारतीय संवेदनाएं और संस्कृत है, जो कुछ भी यहां उत्कृष्ट है, महनीय है, उदात्त है, जो कुछ भी यहां वैसा है जिसमें अभिज्ञ और श्रेयस के सूत्र विद्यमान है, तो वह देव भाषा जिसमें माधुर्य है, पावित्र है, लालित्य है, जो कठिन नहीं, क्लिष्ट नहीं, और जो सहसा हमें ईश्वर और उसकी सत्ता से जोड़ती है भाषा, वह भाषा इस भाषा में जो स्वर लहरियां हैं, ध्वनि है, क्योंकि ये पूरा जगत रूप नाम से बना है, प्रकाश से और ध्वनि से, विज्ञान कहता है लाइट और साउंड से ये पूरा संसार है, तो अभी कुछ इस प्रकार की शोध हुई है कि जो ये ध्वनि है, जैसे हमारे डॉक्टर प्रशस्त मिश्र पवर की बात कर रहे थे, तो कोई भी जो ध्वनि, वो ध्वनि अगर हमें हमारी मूल सत्ता से जोड़ती है तो वो ध्वनि संस्कृत की है, यद्यपि सर्वभाषामयम सरस्वती, पर एक जीवन का माधुर्य जिसे हम ढूंढ रहे हैं, कोई रस, वैसी स्फूर्ति, वैसी सामर्थ्य, वैसी शक्ति, वो इस भाषा से भी सहसा स्फूर्त होती है।
आदरणीय आचार्य जी का तो बड़ा ध्यान है देह पर, उसकी कोशिकाओं पर, ऊतकों पर, या कि जो देह में है। पर अभी ये एक नई शोध आई है कि लगभग एक हमारे शरीर में 1 ट्रिलियन सेल्स हैं और वे सारी कोशिकाएं कुछ सुनने से भी कई बार चैतन्य होती है। वे कोशिकाएं, वे नाड़ियां जो मृतप्राय है या जो सुप्त है या जो कभी चैतन्य नहीं हुई, तो पूरे स्वास्थ्य के लिए, जिसको मैं ऐसे कहूं एक पंक्ति में कि मति और गुण धर्म प्रकृति काय कलेवर रस चेतना द्रव्य, जो कुछ हमारे शरीर में है, ये काय कलेवर द्रव्य चेतना रस मन बुद्धि चेतना गुण धर्म प्रकृति जो कुछ भी है, ये सुनकर भी कई बार ये सब चैतन्य हो जाते हैं। दृष्टि और दिशा जहां से मिलेगी वो जगह गुरुकुल है और उसके इस नूतन भवन के लोकार्पण काल पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। महर्षि पतंजलि का जो सहयोग मिला है वो मेरा भी सहयोग माना जाना चाहिए क्योंकि हम भी पतंजलि के हिस्से हैं। तो क्योंकि पतंजलि के पास चारों प्रकार के सहयोग हैं, धर्म भी है, अर्थ भी है और काम से आशय जगत के उत्कर्ष से लेना चाहिए और मोक्ष भी। तो अगर सहयोग में सहायता में कोई अग्रणी रह सकता है तो उनके आगे कोई नहीं रह सकता और ये मुझे बहुत भीतर से पता है कि जो कुछ भी ये एक साम्राज्य है वो 100% दान के लिए है, सेवा के लिए, सहयोग के लिए। दैट इज द 100% चैरिटी। जो कुछ है वो सारा का सारा सहयोग के लिए है, वो भले ही वो पतंजलि के नाम से हो। तो हवा अग्नि ये जो कुछ अंबर अग्नि जल वायु दे रहे हैं वो चैरिटी तो है। एक वृक्ष क्या नहीं कर रहा है, उसकी गोंद छाल छाया वलकल हरितिमा गंध सुगंध जो कुछ भी है वो सब और क्या है, सहयोगी तो है, चैरिटी तो है। तो जिस तरह से एक वृक्ष दे रहा है, जिस तरह से नदियां का नीर है, जिस तरह से अंतरिक्ष और आकाश से जो कुछ भी है पवन और प्रकाश के रूप में धरा की गंध के रूप में, वो पूरी तो चैरिटी है, वो पूरा ही तो न्यास है। इसलिए जो इतना पाकर भी अब वो जो चैरिटी की उनकी प्रकृति बनी है ये आज नहीं बनी, बहुत पहले से है। और ये भी जो लौटाने की जो आज उनके पास आई है बात धर्म अर्थ काम और मोक्ष के रूप में, ये सच में ही गुरुकुल से मिली है। इसलिए स्थान स्थान पर गुरुकुल बने और वहां पर संस्कृत का प्रकाशन हो या वो उसका अध्ययन अध्यापन हो तो सच मानिए जीवन बन जाएगा। बस अंत में ये बात कहते हुए कि विद्या चार चीज चाहती है, अध्ययन अध्यापन अभ्यास और व्यवहार, वो चारों चीजें गुरुकुल से ही जीवित की जा सकती है। बहुत बहुत